नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कैसे बनाएं दीपावली को महाशुभ। तो अगले कुछ मिनटों तक टीवी स्क्रीन से दूर मत जाइएगा, क्योंकि यहां बात होगी आपके कष्टों को दूर करने की, बात होगी आप पर आए हर संकट को मिटाने की और आपके लाभ को कई गुना बढ़ाने की। तो आपको हम तीन विधियों से दिवाली की पूजा को सरल तरीके से समझाएंगे, पूजा विधि और एक एक सामग्री का महत्व भी बताएंगे। पर सबसे पहला सवाल है, दिवाली की रात धन लाभ के साथ ही और किन मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा होती है, राजा मिश्रा जी बताएंगे। दिवाली के रात में आपकी जितनी भी मनोकामना है, चाहे आपका शत्रु से संबंधित परेशानी हो, चाहे पति पत्नी से संबंधित परेशानी हो, चाहे आपके पास पैसे ना आ रहे हो, चाहे आपका बिजनेस घाटा में जा रहा हो, चाहे आपका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ना हो रहा हो, चाहे आपका स्वास्थ्य अच्छा ना जा रहा हो, इन सब समस्याओं का समाधान दिवाली की रात किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सही प्रयोग, सही तरीका, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर मैं, जो आगे हम लोग जानेंगे। जी, पूजा को अचूक बनाने के लिए क्या सटीक मुहूर्त है, जोशी जी, प्रकाश जोशी जी? देखिए, सटीक मुहूर्त के बारे में अगर हम बात करें तो आप दीपावली के दिन में रात्रि के समय पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त जो है 5:30 से और 8:30 बजे तक है, जिसके अंदर वृषभ काल भी आ जाता है, तो शाम को प्रदोष काल भी आ जाता है, तो इस समय पे पूजा कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त रात्रि का होता है, वो सिंह लग्न का है, वो है 12:40 से लेकर और कहीं ना कहीं 2 बजे तक, तो उस समय भी भक्तगण पूजा करते हैं लक्ष्मी को स्थिर प्राप्ति के लिए। अब सिद्ध पूजा में किन मंत्रों का जाप होता है, वान्या जी बताएंगे। सिद्ध पूजा में महालक्ष्मी के मंत्र हम कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्र कर सकते हैं, कुबेर जी के ओम कुबेराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मीयाय नमो नमः, ये सारे मंत्र जो हैं आप इन पूजन में कर सकते हैं। सामग्री कौन कौन सी इसके लिए जरूरी है? सामग्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी, जैसे आपके अक्षत हो गई, रोली हो गई, इलायची हो गई, सुपारी हो गई, लौंग हो गई, पान के पत्ते हो गए, आपके फूल हो गए, फल हो गए, कमल का पुष्प हो गया, यहाँ पर जौ हो गए, आपके काले तिल हो गए, पीली सरसों हो गई, ईश्वर को भगवान को समर्पण करने के लिए वस्त्र हो गए, धूप हो गए, नैवेद्य हो गया, पंचअमृत हो गया, दिए आप यहाँ पर जलाएंगे, एक एक चीज का इसमें सिग्निफिकेंस है। पूजा में आप पीली कोड़ी भी रखेंगे, गोमती चक्र भी रखेंगे, इसके अलावा आप अपने यंत्रों को भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आप आज के दिन श्री यंत्र जो है वो भी चार्ज कर सकते हैं, व्यापार वृद्धि यंत्र जो है आपके, आप उनको भी जो है आज के दिन चार्ज कर सकते हैं। आप पूजा में फूल भी रखेंगे, मां लक्ष्मी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं, आप मखाने का भोग भी जो है आज के दिन मां लक्ष्मी को लगा सकते हैं। चलिए सीधा पूजा विधि की बात कर लेते हैं, सरल तरीके से घर में गृहस्थ में परिवार के साथ कैसे पूजा की जाए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी लेनी है और रंग बिरंगी ले ले तो अच्छा है, नहीं तो लाल वस्त्र बिछा के लक्ष्मी गणेश जी आप स्थापित कीजिएगा, और हमेशा गणेश जी के सीधे हाथ में ही लक्ष्मी जी होती है, माता जी, अगर आपने वाम में कर दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आपको राइट में करना है, याद रखिएगा गणेश जी की, ये ज्यादातर लोगों के घर में गलती होती है सबसे पहले यहीं पर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको जगह की शुद्धि करनी पड़ती है, तो ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थांगतोपि वा या सुमृत पुंडिकाक्षा सभ्याभ्यंतरा सूची, हमने जगह की शुद्धि कर ली। उसके बाद आपको दीपक जलाना है, दीपक ज्योति परब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते, शुभम करो तो कल्याणम, आरोग्यम धन संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपक ज्योति नमोस्तुते, गंधक्षत हमने चढ़ाना है। उसके बाद हमें अपने इष्ट देव गुरुदेव का ध्यान करना है, ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आप गृहस्थ में हैं तो पंच उपचार, 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए, नैवेद्य, 5 प्रकार के फल, पंचामृत, पंचमेवा और सुपारी और अक्षत आपके पास होना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य ये आपके पास होना चाहिए। दिया घी से जलाना है कि सरसों के तेल से जलाना है, कितने दिए जलाने हैं? तिल के तेल का दीपक भी होता है, प्रमुख दीपक तो एक ही जलता है, ठीक है ना,
और प्रमुख दीपक है, प्रमुख दीपक है। और उसके बाद प्रमुख दीपक जो है वो तिल के तेल से जलना है। हाँ, तिल के तेल का जल सकता है, घी का भी जल सकता है, ठीक है ना, देसी घी का भी जल सकता है, जो आपकी स्वेच्छा हो। अच्छा, प्रमुख दीपक एक ही जलता है। उसके बाद आप देख लीजिए, हमने दीपक जलाए, ये विषम संख्या में जलाएंगे अति उत्तम रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे और वाला फॉर्मूला, आपने ब्रह्म स्थान पे जला दिया जो आपके अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करेगा, एक आपने किचन में जला दिया जो आपके अग्नि तत्व को बैलेंस करेगा, एक आपने किसी भी नलके पे जला दिया जो आपके वाटर एलिमेंट को बैलेंस करेगा, एक वॉशरूम में जला दिया, एक आप अपने मंदिर जो आसपास है वहां रखेंगे, एक आप अपने घर के मंदिर में रखेंगे, एक छज्जे पर रखेंगे जो आपके एयर एलिमेंट को भी बैलेंस करेगा। अगर आप पंच तत्वों के हिसाब से जलाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। विधि आप जरा दिखा दीजिए, जो देखिए आपने कहा कि पंच उपचार की चीजें होनी चाहिए संक्षिप्त में बता रहा हूं। ब्रेस्ट के लिए लड्डू आप ले लीजिए, पांच प्रकार के फल आप ले लीजिए, जौ ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए, रोली कुमकुम ले लीजिए, सुपारी लौंग इलायची इसके अंदर ले लीजिएगा, ठीक है ना, पंच मावा आप ले लीजिएगा और पंचामृत आप ले लीजिएगा, ठीक है, इतनी चीजें आप कम से कम ले लीजिएगा। उसके बाद आपने हाथ में ले लीजिए पुष्प, ओम गणा नाम तो आ गणपति गुंगवा मै, प्रणाम तो आ प्रपति गुंगवा मै, निधि नाम तो आ निधिपति गुंगवा मै, बशोम आ हम जानी गर्भदम तुम जासी गर्भदम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान्यत कचना सत शुभद्रिकाम कांपील वाचनिम ओम मा लक्ष्मी नमा ओम भूर्वास गणेश अंबिका भ्याम नमः। इसके बाद ओम गणेश अंबिका ओम भूर्वास गणेश अंबिका भ्याम नमः, ओम दीपम दर्शयामि ओम गणेश अंबिका भ्याम नमः, धूपम आग्रापयामि, अब हम धूप जलाएंगे, ओम भूर्वासा गणेश अंबिका भ्याम नमः, अक्षतम समर्पयामि, आप चावल चढ़ा दीजिएगा, ओम भूर्वासा गणेश अंबिका भ्याम नमः, ओम पय स्नानम पंच स्नानम समर्पयामि, पंच स्नान भी माता जी को करा, पहले गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा, पंच स्नान करा दीजिएगा, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, पाद्य से आप स्नान करा दीजिएगा, पहले पाद्य पाद्यम प्रो समर्पयामि पूजयामि च, ओम कठिम पूजयामि, ओम वक्षम पूजयामि, ओम शिरम पूजयामि, हरि ओम गणनाम तो आ गणपति गुंगवा मै, प्रणाम तो आ प्रपति गुंगवा मै, निधि नाम तो आ निधिपति गुंगवा मै, बशोम आ हम जानी गर्दम, ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान्यत कचना सत शुभद्रिकाम कांपील वाचनिम, ओम भूर्वासा गणेश अंबिका भ्याम नमः, अक्षतम दुग्धम दही मधु शर्करा वस्त्रम जन्यु चंदनम समर्पयामि, अब हम वस्त्र समर्पयामि, हाँ वस्त्र समर्पयामि, जन्यु गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा, वस्त्र माता जी को चढ़ा दीजिएगा, वस्त्रम समर्पयामि, ठीक है ना, पांच प्रकार के फलम ऋतु फलम समर्पयामि, और माल्याती ने सुगंधिनी माल्याती ने वह प्रभु मैं तानी पुष्पाणी पूजातम प्रतिग्रहतम, पुष्प जो इसमें विशेषतया पुष्प कमल का पुष्प होता है, तो कमल का पुष्प यदि आप महालक्ष्मी को चढ़ा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ये कमल का पुष्प, ओम भूर्वासा ओम गणेश अंबिका भ्याम नमः, पुष्पम समर्पयामि पुष्पांते नैवेद्यम समर्पयामि, ओम भूर्वासा गणेश अंबिका भ्याम नमः, नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने आपको बताया, सरल पूजा विधि बताई, महापूजा की विधि आपको बताएंगे ये देख लीजिए, लेकिन उससे पहले सरल तरीके से अपने घर दुकान ऑफिस की पूजा आप कैसे कर सकते हैं, राजा मिश्रा जी हैं यहाँ पर और सुनील जी हैं, जी सर बताएं। सबसे पहले मैं आपको पंचोपचार का अर्थ होता है कि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यानी कि सिर्फ इन पांचों चीजों को लेकर के एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी पूजा कर सकता है। पहला स्टेप ये है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसनी लगानी है, दूसरा स्टेप ये है कि जल लेना है हाथ में, मंत्र मैं पढ़ रहा हूं पवित्र आप वहां पर हो जाओगे, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा जह स्मरेत पुनरीकाक्षं सौवाया भ्यंतरा सुचि गंगा नारायण देव पर सिक्त कर लीजिए, छीट लो आप उसको। उसके बाद आपको जल लेकर के आसन के नीचे में अपने आसनी जहां पे बैठे हुए हो वहां पर में डालना है, फिर आपको गणेश जी का और लक्ष्मी जी का आवाहन करना है, ओम वक्रतुंड महाकाय कोट सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, लक्ष्मी जी का आवाहन करना है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और पांच चीजों के प्रयोग से पंचोपचार करना है। सबसे पहले दीपक आपको जला लेनी है, गंध पुष्प धूप दीप,
यानी कि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये पांचों चीजों का प्रयोग करने, यानी कि माता जी को आपको अगर मंत्र नहीं आता है, कर्पूर गौरम हर कोई जानता है आज, तो कर्पूर गौरम को नावदारम आप मंत्र कर लेंगे, फिर उसके बाद माता जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, वस्त्र ओम इदम वस्त्रम समर्पयाम, बस इतना कह करके भी आप वस्त्र चढ़ा दोगे। वस्त्र चढ़ाने के बाद लेकिन जल जरूर देना है माता जी को, और ये गणेश जी जो है उनको स्नान जरूर करवाना है, और ज्यादा बिरहत नहीं होंगे। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा जल लेंगे और कहेंगे ओम तुदियंग वस्तु गोविंदंग तुदियंग वस्तु समर्पितंग, फिर माता जी की आरती कर लेंगे, और जब विसर्जन करेंगे, अगर आप मंत्र जानते हैं तो मंत्र से, नहीं जानते हो तो आप पूरे मन से, मनोभाव से, देवता जो है सो मन के अधीन है, पूरे मनोभाव से आप कहोगे कि लक्ष्मी और गणेश यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर बुलाया है हमने, वो यहाँ पे रहे, बाकी जितने भी देवी देवता यहाँ पर में है वो सब अपने अपने लोग को जहाँ से आए हैं वहां पे चले जाएं, मैया आपका जय जयकार करेगी, राधे राधे। सर ये बताइए कि कैसे प्रोफेशनल लोग अपनी पूजा करें, और ये पोटली मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, कुबेर पोटली, हाँ कुबेर, और इसके अंदर कुबेर पोटली के अंदर आपको भोजपत्र मिलेगा, कुबेर पोटली के अंदर लक्ष्मी चरण मिलेगा, लक्ष्मी चरण मिलेगा, और आपको श्री यंत्र मिलेगा, और साथ में आपको एक नारियल, ये नारियल है, ये लघु नारियल है, हम एक चाबी भी है, ये कुबेर कुंजी है, इसको कुबेर कुंजी कहेंगे, ये लघु नारियल है, ये नारियल आपके पास अगर है पूजा में तो बहुत अच्छा, बड़ा नारियल नहीं है तो छोटा लघु नारियल, असली नारियल है, असली नारियल है, ये छोटा नारियल है, इसको लघु नारियल बोलते हैं। अच्छा, ये लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है। अच्छा, लक्ष्मी को ये यहाँ पर गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र है, ये हमने 54 गोमती चक्र लिए, या तो 27 लें या 54 लें, क्योंकि 9 हमारा कहते हैं 9 छिद्र वाले शरीर को पार करने के लिए, अगर भव सागर से पार करना है और दिवाली की रात को हमें कोई भी साधना करनी है, मंत्र उपचार करना है, तो कौड़ियाँ 9 की संख्या में होनी चाहिए, 9, 27। अच्छा, दाम क्या होता है, कितने की मिल जाती हैं ये? 2-4 रुपए पीस है, 2-4 अच्छा। रुपए पीस मिल जाते हैं, सरलता से मिलती हैं, ऐसी कौड़ियां मिल जाती हैं, आप कौड़ियां होती हैं, ये गोमती चक्र है, हाँ ये पीली कौड़ियां करके मिल जाती हैं आपको, ये पीली कौड़ियां हैं, ये पीली कौड़ियां हैं आपके पास, इनको पर भी हम लोग अब ये बताएं कि यहाँ पर लक्ष्मी जी का अपने श्री यंत्र भी है, लक्ष्मी जी के भाई कहा जाता है शंख, बिल्कुल भी है, बिल्कुल है, लक्ष्मी जी का भाई है, क्योंकि ये समुद्र मंथन से ही निकले हैं, इनका उच्चारण, इनकी नाद अगर आप बजा दी जाए, जहां तक इनकी ध्वनि जाती है वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है, और ये जरा समझाए, ये जैसे इनके ऊपर है, ये कछुए के ऊपर है, ये देखिए, ये सरलता से मिलने वाले वो है, कछुआ सरलता से मिलते हैं, मार्केट से मिल जाएंगे सरलता से, दाम क्या होगा इसका? सुमेरु, ये आपको सुमेरु मिलेंगे, और श्री यंत्र ऊपर से रखे हुए, अब देखिए ये कछुआ है, कछुए के ऊपर इसमें दिशा लिखी हुई है, यहाँ त्रिशूल रखे हुए हैं, यह श्री यंत्र है, और कुबेर सुमेरु पर्वत भी है, पर्वत, अब ये देखिए ये गणपति है, ये सुपारी के ऊपर गणपति है, हम सुपारी पे बनाते हैं, जैसे गणपति सुपारी के ऊपर, गणपति तो आम इंसान के लिए बनाना मुश्किल है ना, लेकिन मिल जाता है बाजार में, सरलता से मिलता है ये, बाजार में ये सरलता से मिलता है, ऐसे ही आपने ये बिछाकर भोजपत्र है, अब ये रात्रि में देखिए गणेश जी बने हुए, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बेहद सुंदर चीज है ये मैंने भी पहली बार देखी है, अब ये सुपारी है, इस पे गणेश जी बने हुए हैं, सुपारी लक्ष्मी जी को चढ़ाई जाती है, बिल्कुल ये गणेश जी की, अगर आप इन पे पूजा करेंगे तो अति उत्तम, ये है जैसे भोजपत्र, इस भोजपत्र पे आप लिखिए श्री गणेश जी सदा सहाय, अनार की कलम से, हनुमान जी के सिंदूर से लिखे, जैसे दीवार पे लिखते हैं ना, श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री नारायण जी सदा सहाय, नारायण जी का नाम क्यों लिया, क्योंकि जिस घर में शंख शालिग्राम तुलसी होगा उस घर को लक्ष्मी नहीं छोड़ेगी। अच्छा। अगर अकेली लक्ष्मी आएगी तो वो उल्लू पर बैठ कर आएगी, और नारायण के संग आएगी तो गरुड़ पे बैठ कर आएगी, गरुड़ का मतलब वेद और वेद का मतलब ज्ञान, वो आपके बच्चों के अंदर वो गुण प्रवेश करा के जाएगी। ये बताएं आप, ये जो है आप किस तरह के यंत्र हैं, क्या ये दुकान में दफ्तर में रखने, ये बिल्कुल रख सकते हैं, ये दुकान टांगे जाते हैं, बिल्कुल टांगे जाते हैं, आप अपने दुकान का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, जिसको हम ईशान स्थान बोलते हैं, उत्तर पूर्व का मध्य, उस पे लगाया जाता है, तो ये कितने की आइटम होगी? ये बहुत ज्यादा महंगे नहीं मिलते, यथाशक्ति आप खरीद सकते हैं, 100 रुपए से अंदर मिल जाते हैं। चलिए अब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव से कैसे बचे उस पर बात करेंगे, उल्लू की भी बात यहाँ पर करी हमने, देखा कि उल्लू यहाँ पर विराजमान है, कृष्णा जी थोड़ा बताएं, अब महाविधि महापूजा
और नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचाव किया जाए। अपने घर के मुख्य द्वार पर आपने जो दीप जलाया है उस दीप को आपने बीच में ब्रह्म जो गेट के बीचों बीच आपने रखना है। इसके साथ ही हमारे एक जल का पात्र जरूर रखना है जिसमें आप नमक डाल दीजिएगा। नमक डाल के अलग से रख दीजिएगा, एक जो है साबुत नमक होता है एक तरफ रख दीजिएगा। इससे घर में आपके कोई भी निगेटिव चीज आती है तो वो नमक और पानी में, क्योंकि पानी जो है नकारात्मक चीजों को अपनी तरफ खींचता है। इसी तरीके से नमक जो है आपको एकदम ऐसा लगे जैसे उसमें पसीना आ जाता है ना, तो तरीके का नमक हो जाएगा। ये चीज हो जाए, नमक गंदा भी हो जाता है, पानी के ऊपर गंदगी आ जाती है। ये सारी चीजें हो गई। अब बात उसके बाद क्या करें उसका, फिर पानी का उसको जो है दूसरे दिन आपने जो है जैसे नाली में फेंक दे, हाँ उसको फेंक दीजिए, सड़क पे नहीं फेंके, किसी को नुकसान ना हो। कृतिका जी थोड़ा बताएं कि ये चौमुखी दिया क्या होता है, यम दिया क्या होता है, डायन दिया क्या होता है? और सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी जम का दीपक, यमराज के लिए, यमराज के लिए होता है। दक्षिण मुखी जो होके अगर आपकी फ्लैट है बैल्कनी में आप रख सकते हो, दक्षिण दिशा में इस दीपक को रखना चाहिए। और जम का दीपक जो होते हैं ना, ये धनतेरस से लेके भाई दूज तक ये 5 दिन चलते हैं। ये दीपक हर रोज दीपक को चेंज करना होगा, और इसका दीपक के नीचे जो है खाली दीपक नहीं रखना, क्योंकि खाली अनाज के ऊपर जैसे एक प्लेट होगा, प्लेट के ऊपर आप कुछ रोज पेटल्स या गेंदे की फूल रखिए, सत अनाज रखिए, उसके ऊपर दीपक को रखिए, अगले दिन फिर नया दीपक आप रखिए। थाली चेंज नहीं करना, थाली सेम रहेगा पर दीपक को आपको चेंज करना है। ये जम का दीपक होते हैं जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ साइड मतलब किसी का अगर फादर नहीं है, दादा है, दादा के फादर है, उनके फादर है, उनके जो 5 पीढ़ी तक 10 पीढ़ी तक उनको मनी मन में भाव से उन लोगों के नाम के सभी की प्रार्थना कर दीजिए, और माँ के साइड से भी जो 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक प्रार्थना कर दिए, ताकि जहाँ भी रहे खुश रहे, जिस जगह पे रहे खुश रहे। ये तो रहा जम का दीपक। अच्छा, और एक जो नेगेटिविटी हटाने के लिए जो सबसे ये चीजें है, किसी भी घर में किसी के पर्सन के ऊपर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, ये है रात्रि है, ये छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। इस टाइम में क्या होगा, ये पीपल की पत्ती है, इसके ऊपर कुछ बताशा आप रख के उनके ऊपर 7 बार उतार दीजिएगा। एक छोटा सा दीपक को ऊपर से नीचे से उस पर्सन के ऊपर से ऐसे उतार के 7 बार। कितने पत्ते बता रही हैं आप, कितने बताशे? एक एक पत्ते से भी होगा, 5 पत्ते से भी होगा, और एक दीपक से उसी व्यक्ति के ऊपर से नीचे तक ऐसे उतारा करके 7 बार इसके ऊपर रख के तीराहे पे जहाँ पे चौक होता है वहीं पे रख दीजिएगा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है सारा वहीं पे रह जाएगा, और पीछे मुड़ के जो पर्सन रखने जाएगा वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, सीधा घर आके वो कपड़े भी चेंज करेगा, हाथ मुंह भी धोएगा। तो ये नकारात्मक ऊर्जा के लिए है एक उपाय। एक उपाय और है, ये समृद्धि के लिए है, जैसे इसमें कौड़िया होते हैं, जैसे इसमें मिट्टी के, हाँ मिट्टी, इसमें जल है, इसमें ये आप देखिए कमल गट्टे जो है, कमल गट्टे मैंने पूरा नहीं लिया, एक मैंने लिया, इसमें सिंदूर लगाना है। कौड़ी होते है काली कौड़ी, काली कौड़ी को भी सिंदूर ऐसे टीका करना है, ये भी गंगा जल के अंदर रखना है। एक सुपारी जिसमें हम टीका करेंगे फिर गंगा जल के अंदर रखना है, और साथ में ये भी नीचे ऐसे गंगा जल के अंदर जायफल भी हम रखेंगे, और एक चांदी का सिक्का रखेंगे इस गंगा जल के अंदर। साथ में एक लाल कपड़े में पूरे चीज जो 7 अनाज भी इसके अंदर, 7 अनाज 7 तरह की अनाज भी हम डालेंगे इसमें, और एक फूल भी हम डालेंगे, और इसके मुंह जो है बांध के रख देंगे, पूजा करेंगे। जैसे 4:30-5 बजे दिवाली के अगले दिन नहा धो के फिर से आप भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उस गंगा जल से सारे सामान उठा के एक लाल पोटली बना लीजिए, और उस चीज को आप अपने किचन में रख सकते हैं,
और किचन में भी ऐसे जगह रख सकते हैं कि जहां आप आपी के हाथ जाए, या चावल के जहां आप चावल रखते हैं जहां पे, वहां पे भी आप इसको रख सकते हैं। ये सारे सामान को बांध के रख सकते हैं लाल पोटली में, समृद्ध पोटली बोलते हैं। और इसको अगर ठीक से किया जाए, घर में अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ाई में अच्छे है, इस जो गंगा जल फेंकना नहीं है, इस गंगा जल को छिड़काव करना है। जब तक ये जल आपके घर में है उससे छिड़काव करना चाहिए, 15 डेज चले, 10 डेज चले। ठीक है प्रतिका जी, नींबू क्यों है यहाँ पर? नींबू देखा मैंने, राजा मिश्रा जी ने भी रखा हुआ है नींबू, यहाँ पर भी आपके पास भी है। दिवाली के दिन गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, धन्वंतरि सबका पूजा होता है, साथ साथ माँ काली और हनुमान जी की भी पूजन होते हैं। माँ काली का पूजन दिवाली में किया जाएगा। ओम क्रीम कालिकाए नमः, आप माला से आप जप कीजिए, हाथों से आप ऐसे जप कर सकते हैं माँ काली का। और साथ में एक नींबू को आप काट के दोनों भागों में भाग कर लीजिए और पूरे घर पे इसके हर कोने कोने में घुमा दीजिए। आप गोटा भी अब पूरा ऐसे भी रख सकते हैं, कट ना करे तो भी चलेगा। फिर इस नींबू को आप बाहर लेके तिराहे पे, चौराहे भी, या किसी जंगल पे, पर याद रखना चाहिए किसी की पैर में ना आए। अच्छा। किसी का नुकसान ना हो, पानी में फेंके या किसी जंगल में ऐसे जगह रखे किसी की पैर ना आए, किसी का नुकसान ना हो। तो दीपावली की महाशक्तिशाली रात्रि का महालाभ कैसे उठाएं, इसके लिए हमने कई तरह की पूजा विधि करके दिखाई। तो Zee News के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। Zee News की पूरी टीम और यहाँ मौजूद सभी ज्योतिषचारों की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली, आप पर गणपति और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।